तबीयत सही नहीं थी तो मैं जल्दी सो गया था। अभी यहाँ पर कोई बज गए हैं जी 6:30। ये हॉस्टल का मेन एरिया है। ये एक बिल्ली है इधर, मोटू सी। वैसे सुकून में होती है इस टाइम, थोड़ी एक्टिव हुई भी है। अभी पेंशन तोड़ी थी। इस साइड पे ये सारे किचन का है सामान शामान, हर बंदा अपना बनाता है, नीचे रखता रहता है ब्रेड प्लेटें, ये वो पता नहीं क्या कुछ है, बहुत बड़ा सा, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कोई देख दो, स्टाफ के वॉशरूम है, ये रिसेप्शन है। हाँ, ये खाने के लिए टेबल्स हैं। ये बाहर की जगह है, वहाँ पे एक डॉग है, वो भी खुली होती है, पता नहीं अभी क्यों, शायद सर्दी है तो अंदर गई होगी। और इस तरफ मेरा रूम है, बाकी वो पीछे भी हैं रूम्स शेयरिंग वाले, ऊपर भी हैं। और मेरा ख्याल है 4-5 इंडिपेंडेंट रूम्स हैं, जिसमें एक बंदा या दो बंदे अपना खुद रह सकते हैं, बाकी सारे जो हैं वो डॉर्म स्टाइल में हैं। अभी लाइट शट बंद है, लोग सोए हुए हैं, हर वक्त ही कोई ना कोई जाग ही रहा होता है। रात को भी लोग बैठे हुए थे, अभी आवाज़ आ रही थी, वॉशरूम में गए हैं लोग। ये मेरा रूम है, इधर भी कुत्ता बना हुआ है। ये जी इस तरह है, ये मैंने सारा सामान गंदे शंदे डाला हुआ है। और मेरा वॉशरूम प्राइवेट है, शेड वाला नहीं है। वॉशरूम है, सिंक है, शावर कैबिन वगैरह, हीटर। ये है जी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये हॉस्टल। उसकी मेन वजह ये है कि ये बिल्कुल ही सफाई सुथराई उसमें कम है, और ज़्यादा फोकस जो है ना ये कुत्ते बिल्ले और इन चीज़ों में है। अब ये बेड के पीछे भी ये है, और अगर आप वहाँ से बैठ आके देख रहे हैं तो क्या इसमें, ये इसमें भी कुत्ता ही नज़र आ रहा था। तो ठीक है, बाकी हीटिंग पे एसी चला हुआ है, क्योंकि इनकी शहर की हीटिंग अभी शुरू नहीं हुई, बेलग्रेड में बोस्तिया में हो गई थी।